नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 16 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि रोजगार से जुड़े डेली टॉप 5 न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने निकाली रिक्तियां। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1, स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2, ट्रेनी कैटेगरी 2 टेक्नीशियन के कुल मिलाकर 160 पद के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है तो डिप्लोमा ट्रेड या बीएससी 60% अंकों के साथ, 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ, उसमें भी 60% अंक अनिवार्य है। इसके अलावा मैट्रिक पास 60% अंकों के साथ या फिर मैट्रिकुलेशन 60% अंकों के साथ और ट्रेड सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31/1/2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bark.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा अभियान हुआ शुरू। राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि संग्रह अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 44 दिनों तक इस अभियान को चलाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत बीते दिन से कार्यकर्ता घर घर जाकर चंदा जमा करने निकल चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन से पटना के 18 स्थानों में इसकी शुरुआत की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पटना में शुरू हुई इस निधि संग्रह अभियान में शहर के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत भाजपा के अन्य नेता मौजूद दिखे। कोरोना टीके को लेकर बिहार है तैयार। आज से बिहार समेत पूरे देश में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर बिहार भी पूरी तरह से तैयार है। मार्च महीने में कोरोना के जद में आए बिहार में आज से स्वास्थ्यकर्मियों को टीका देने का काम किया जाएगा। वहीं टीका देने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इसका शुभारंभ करने वाले हैं, जिसके बाद आज एक साथ राज्य के 300 केंद्रों पर 10:45 पर टीकाकरण का शुभारंभ होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार IGIMS स्थित केंद्र पर एक सफाई कर्मी और एक एम्बुलेंस कर्मी को टीका लगवाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हालांकि टीकाकरण को लेकर बीते दिन ही सूची में शामिल कोरोना वॉरियर्स को SMS के जरिए सूचना भेजा गया था। बिहार में जमीन खरीदने बेचने वालों को अब मिलेगी सहूलियत। बिहार में जमीन खरीदने बेचने वालों को अब किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। निबंधन विभाग ने आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नए साल में अब नई सुविधा बहाल करने की बात कही है, जिसके तहत अब जमीन रजिस्ट्री करने के 2 से 3 दिनों के बाद ही अब ऑनलाइन अपना कागजात देख सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब लोग आसानी से अपने कागजात को डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं। इससे जमीन बेचने वालों को अधिक लाभ मिलने वाला है। आमतौर पर जमीन बेचने के बाद लोगों के पास कोई कागजात नहीं रह पाते थे। बिहार में अब MSP पर होगी खरीदारी। देश भर में किसान MSP समेत कई मांगों को लेकर लगातार विरोध में जुटे हुए हैं। वहीं अब बिहार के किसानों को खुश करने के लिए सरकार भी हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है। इसी क्रम में अब बिहार के दलहन किसानों की चांदी ही चांदी होने वाली है, क्योंकि अब बिहार सरकार ने ऐसे किसानों से MSP पर ही दलहन की खरीदारी करने का ऐलान कर दिया है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि दलहन की खरीदारी MSP के आधार पर की जाए। हालांकि इसको लेकर सरकार ने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था, जिसको केंद्र सरकार की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद अब सूबे के किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। BSEB ने प्रश्न पत्र को लेकर दिया अहम निर्देश। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इंटर और मैट्रिक की परीक्षा अगले महीने आयोजित होने वाली है। हालांकि इससे पहले ही समिति ने सभी विषयों के मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। समिति ने सभी परीक्षार्थियों को मॉडल पेपर देखने को कहा है, जिसके बाद अब बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि मॉडल पेपर में दिए गए प्रश्नों के अनुसार ही एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 1 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा शुरू हो रही है। फिलहाल प्रैक्टिकल परीक्षाएं अभी जारी है। बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 50 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब छात्रों को देना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार में कोरोना के मिले 300 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 346 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 258,289 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 149 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दरभंगा में 33 और बेगूसराय में 20 मामले सामने आए हैं।
पटना में अब दिखेगा डबल डेकर एलिवेटेड रोड। बिहार में कुछ हो ना हो, सरकार ने आम नागरिकों के वाहनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। इतना ही नहीं, समय समय पर आम नागरिकों को जान से निजात दिलवाने के लिए सरकार नए नए सड़कों के निर्माण का ऐलान भी करती रहती है। इसी क्रम में अब सरकार ने पटना में जाम की समस्या से निजात दिलवाने के लिए डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने का ऐलान किया है। इसको लेकर सरकार की तरफ से टेंडर भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब जल्द ही इसका शिलान्यास कर काम शुरू किया जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम की होगी खरीदारी। पंचायत चुनाव के लिए अब मल्टी पोस्ट ईवीएम से पंचायत आम चुनाव करवाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से अंतिम रूप से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद अब जैसे ही आयोग को ईवीएम से चुनाव कराने की लिखित स्वीकृति मिलेगी और राशि का आवंटन कर दिया जाएगा, आयोग ईसीआईएल से 15,000 मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीद का आदेश जारी कर देगी। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पंचायत आम चुनाव के लिए आयोग द्वारा 15,000 ईवीएम खरीदने का प्रस्ताव है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के सफल अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी की तारीख हुई जारी। केंद्रीय चयन परिषद के विज्ञापन संख्या 2/2019 की भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी तारीख जारी कर दी गई है। सीएसबीसी बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती 2019 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत प्रोफाइल की स्क्रूटनी पटना स्थित परिषद कार्यालय में होगी। आपको बता दें, नोटिफिकेशन के आधार पर अभ्यर्थी अपने नाम के सामने दी गई तारीख और समय के अनुसार अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, फोटो आईडी कार्ड, 2 महीने के अंदर खींचे गए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे। बिहार को शीतलहर से अभी नहीं मिलेगी कोई राहत। बिहार में एक बार फिर से कोल्ड डे की वापसी हो गई है, जिसके बाद बिहारवासियों को ठंड का एहसास फिर से होने लगा है। वहीं अब बिहार में शीतलहर की चपेट से लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। पछुआ हवा की गति 18 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा होने से प्रदेश के दक्षिण मध्य और पश्चिम इलाके में कोल्ड डे या सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनने के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो कोहरा और ज्यादा गहराने के आसार है। वहीं तापमान की बात करें तो बीते दिन दक्षिण बिहार के गया सहित पास के इलाके में प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोलर पैनल के मेंटेनेंस के लिए नहीं होना होगा परेशान। बिहार में अब सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगवाने वालों को मेंटेनेंस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अगले 5 साल तक मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी पंचायत स्तर तक सोलर पैनल लगाने वाली एजेंसी की होगी। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से बहुत जल्द ही नीति बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसका मकसद राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना और वर्तमान बिजली व्यवस्था पर निर्भरता कम करना है। इतना ही नहीं, व्यापक स्तर पर किसानों सहित आम लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ाना भी है। पंचायती राज विभाग द्वारा इसे जल्द ही राज्य कैबिनेट की स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा। राजगीर में हेलीकॉप्टर टूरिज्म को सरकार देगी बढ़ावा। राजगीर में हेलीकॉप्टर टूरिज्म को सरकार बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में छोटा हवाई अड्डा का निर्माण करवाया जाएगा। राज्य सरकार का प्रयास था कि एक बड़ा हवाई अड्डा नालंदा में बने, इसके लिए पहल भी की गई थी। पावापुरी के समीप जगह भी चिन्हित किया गया था। अधिकारियों के दल ने भी स्थल का निरीक्षण किया था, लेकिन उस जगह को स्वीकार नहीं किया गया। इसके चलते फैसला लिया गया है कि अब राज्य सरकार अपने स्तर से एक छोटे हवाई अड्डे का निर्माण कराएगी। बिहार सरकार अब खेती में बढ़ाएगी रोजगार के अवसर। भले ही आज देश के किसान विरोध करते नजर आ रहे हैं, मगर बिहार सरकार किसानों में और खासकर खेती में रोजगार के अवसर को बढ़ाने की पहल करती दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि सरकार ने अब मखाना और चाय उत्पादन के लिए बिहारवासियों को 25% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोग खेती कर रोजगार के अवसर तलाश सके। इतना ही नहीं, सरकार अब बिहार के युवाओं को फल, सब्जियां, मधु एवं सुगंधित पौधे समेत अन्य पौधों के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध करवाने जा रही है। पात्रता रखने वाले व्यक्तिगत निवेशकों के लिए परियोजना लागत का 15% एवं किसान उत्पादक कंपनियों के लिए 25% क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है। रुपेश सिंह मामले में मीडिया के सवाल पर भड़के नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने तेवर में नजर आ रहे हैं। बीते दिन दीघा आर ब्लॉक 6 लेन का लोकार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब मीडिया कर्मियों ने बिहार में बिगड़ी व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा था, जिसको सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी ज्यादा भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो जंगलराज का मंजर भूल गए हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान रुपेश सिंह मामले में संलिप्त अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े जाने का भी आश्वासन दिया है।
राजधानी पटना से 38 जिलों में आना जाना अब होगा और भी ज्यादा आसान। बिहार के 38 जिलों के लोगों का अब पटना सफर करना और ज्यादा आसान होने वाला है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य पथ परिवहन निगम ने सूबे के 38 जिलों को पटना से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अब तक 70 नई बसें लाई गई हैं। वहीं अब नेपाल और बनारस की यात्रा भी अब लोगों को आसानी से करने को मिलेगी। साथ ही बिहार से भूटान जाना अब और आसान हो जाएगा। सरकारी बस इसकी सीमा से सटे गांव तक परिचालित करवाया जाना है। पशुपालन विभाग ने बिहार में बर्ड फ्लू नहीं होने की कही बात। बिहार में बर्ड फ्लू की शुरू हुई संभावनाओं पर अब पूर्ण विराम लग गया है, जिसके तहत बिहार में बर्ड फ्लू के नहीं होने की पुष्टि कर दी गई है। पशुपालन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी में राज्य के विभिन्न जगहों से लिए गए 600 नमूने को कोलकाता से क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला में भेजा गया था, जहां पर सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि बिहार में बर्ड फ्लू नहीं है। जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार में नैतिकता नहीं होने की कही बात। राजद नेता जगदानंद सिंह ने हाल ही में एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में नैतिकता नहीं बची है। यही वजह है कि अपराध पर नियंत्रण नहीं है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति में नैतिकता नहीं बची है, जिससे अपराध नियंत्रण की उम्मीद करना ही बेकार है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फटकार के बाद डीजीपी ने जारी किया नंबर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी की फटकार लगाई थी, जिसके बाद आखिर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की नींद टूटी है। सीएम की फटकार के बाद डीजीपी ने एक नंबर जारी किया है। यह नंबर मीडिया के लिए जारी किया गया है। आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि इस नंबर पर बिहार डीजीपी से पत्रकार किसी भी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं, जिसके तहत 9431602302 नंबर जारी किए गए हैं, जिस पर अब आसानी से कॉल पत्रकार कर सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। ब्रिटेन एवं भारत के बीच 1992 में प्रत्यार्पण संधि आज ही के दिन हुई थी। 2003 में दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर भारतीय मूल की कल्पना चावला आज ही के दिन रवाना हुई थी। क्रिकेट में उत्तर प्रदेश को 2009 में हराकर मुंबई ने रिकॉर्ड 38वीं बार रणजी चैंपियनशिप आज ही के दिन जीती थी। 1946 को अभिनेता कबीर बेदी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1927 को हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री तथा टीवी कलाकार कामिनी कौशल का जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक राष्ट्रवादी महादेव गोविंद रानाडे की 1901 में आज ही के दिन उन्होंने आखिरी सांस ली थी। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1938 में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। भागलपुर के विक्रमशिला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं 9वीं शताब्दी में कराई थी। स्थापना होते ही यह विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर विख्यात हो गया। अपने समय में इसने काफी प्रसिद्धि अर्जित की है, लेकिन बख्तियार खिलजी ने इसे 1203 में नष्ट कर दिया था। भागलपुर से 38 किलोमीटर दूर स्थित इसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। कोलगांव से 3 मील पूर्व गंगा नदी के तट पर बटेश्वरनाथ का टीला एक स्थान है, जहां पर अनेक प्राचीन खंडहर है। नालंदा में घोरा कटोरा और वेणुवन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर वासियों को बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत राजगीर में निर्माणाधीन वेणुवन बिहार पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन किया है। इस पार्क को लगभग 27 करोड़ की लागत से 21 एकड़ पर निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि बिहार का सबसे बेहतरीन पार्क साबित होगा। इसके साथ ही घोरा कटोरा में भी 4 करोड़ की लागत में 4 एकड़ जमीन में पार्क का निर्माण करवाया गया है, जिसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। नीतीश कुमार की बौखलाहट पर बयानबाजी हुई शुरू। नीतीश कुमार बीते दिन बिहार में बढ़ रहे आपराधिक मामलों के सवालों से बचते नजर आए। वहीं उन्होंने सभी को जंगलराज के समय को याद करने की नसीहत भी दी, जिसके बाद अब बिहार में बढ़ रहे मामलों पर मुख्यमंत्री के बयान पर तेजस्वी ने पलटवार किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सीएम अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुके हैं। अपराध रोकने के बदले तुलना कर रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। अपराध हड़प्पा काल में भी होते थे, अपराध जरा तुलना कर लीजिए। उल्टा पत्रकारों से पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है कि कौन है अपराधी और वो क्यों करते हैं अपराध। बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों पर मोदी सरकार हुई मेहरबान। बिहार समेत देशभर के अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों पर मोदी सरकार मेहरबान नजर आ रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए पीएम शादी शगुन योजना शुरू की है। इस योजना को अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। आपको बता दें, इस योजना के तहत शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को केंद्र सरकार 51,000 रूपये देती है। अल्पसंख्यक समुदाय में विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय में लड़कियों में उच्च शिक्षा की स्थिति काफी खराब है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे आखिरी मैच के दावेदार का केविन पीटरसन ने बताया नाम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज अब निर्णायक स्थिति पर पहुंच गई है, जिसके बाद अब इस मैच में जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा करने वाली है। हालांकि भारतीय टीम वर्तमान समय में चोट से परेशान है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारत के 7 से 8 खिलाड़ी चोटिल है, जिसके बाद अब टीम की जीत को लेकर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच सकती है। मैंने सीरीज के शुरुआत में कई लोगों को यह कहते हुए सुना था कि ऑस्ट्रेलिया यह सीरीज 4-0 से जीतेगी, लेकिन भारतीय टीम विराट कोहली की अनुपस्थिति में भी यह सीरीज जीत सकती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विश्वजीत कुमार, राहुल कुमार, मोहम्मद अजाज अहमद, श्वेता रॉय, साहिल कुमार, रविंद्र पासवान, असलम राज, सूर्य प्रकाश, बबीता यादव, रवीश कुमार, गुड्डू शर्मा, जयशंकर, श्वेता भारती, नंदन कुमार, अरुण कुमार यादव, नीरज कुमार यादव, नंद किशोर कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार, आपके अनुसार बिहार के सबसे मशहूर राजनेता कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।